नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। ये देश कठमुल्लाओं, अलकायदा और पाकिस्तान के प्रेशर से नहीं चलता है, ये हम नहीं बोल रहे बल्कि मोदी के एक मंत्री का कहना है। ये बयान मोदी के किस मंत्री का है और क्यों कहा है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। दरअसल नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश में खूब बवाल कटा। विरोध प्रदर्शन के नाम पर दंगे, बहिष्कार, बैनर, पोस्टर, खूब ड्रामे चले। उसके बाद दंगाइयों के घर पर बुलडोजर भी चला। नुपुर शर्मा ने जो जवाबी कार्रवाई में बयान दिया, उसके बाद भाजपा ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। अब इसी को लेकर जब मोदी के मंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया जिससे कट्टरपंथी फिर से भड़क गए और सोशल मीडिया पर उन्हें बुरा भला बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी से जब पूछा गया कि नुपुर शर्मा पर कार्रवाई तब की गई जब लगा कि अलग अलग तरह का प्रेशर था, अलग अलग देश से लोग भी आलोचना कर रहे थे, तो इन्होंने इस पर जवाब दिया और ये कहा कि ये देश कठमुल्लाओं, अलकायदा और पाकिस्तान के प्रेशर से नहीं चलता है। हमारा अपना कमिटमेंट है और हम अपने कमिटमेंट के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हिंदुस्तान में किसी के दबाव में फैसला नहीं होता है। इसके बाद एक वरिष्ठ पत्रकार ने नकवी से दूसरा सवाल किया और उन्होंने पूछा कि ये कमिटमेंट पहले क्यों नहीं दिखी जब नेताओं और विधायकों ने इससे भी बड़ी बड़ी बातें की थी। इस पर केंद्रीय मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि इससे बड़ी बड़ी बातें तो और भी लोग करते हैं, क्या करें, चौराहे पर खड़ा करके फांसी दे दें। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की घटना को किसी ने जस्टिफाई नहीं किया और ना ही सरकार ने जस्टिफाई किया, ना आप लोगों ने किया जस्टिफाई, और यही हमारा देश है। इसके साथ ही नकवी ने यह भी कहा कि पैगंबर का सम्मान जरूरी है तो दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करें। भाजपा धर्म देखकर काम नहीं करती है, किसी भी जगह नाम पूछकर कोई काम नहीं होता है। हमने मुसलमानों के साथ सियासी छल को खत्म किया है। नरेंद्र मोदी का विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं है। अब ये तो रहा मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। उन्होंने लगातार ये दावा भी किया कि भाजपा सबको एक नजर से देखती है और हर किसी के लिए काम करती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर भाजपा सबके लिए काम करती है और मुसलमानों के साथ हो रहे सियासी छल को खत्म किया है तो फिर भाजपा को मुसलमानों का वोट क्यों नहीं मिलता। अभी मौजूदा आजमगढ़ और रामपुर के नतीजे ही देख लें तो इससे ये साफ हो जाता है कि भाजपा पर कितना भरोसा मुसलमान करते हैं। भाजपा उनके लिए कितना भी कर ले, लेकिन भरोसा बना पाने में भाजपा नाकाम रही है। अब इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।